फूड प्वाइजनिंग का एक बड़ा मामला सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के विशंभरपुर गांव में सामने आया, जब एक छोले बेचने वाले शख्स से गांव के लोगों ने छोले खाया। छोले खाने के बाद बेचैनी के साथ उल्टी और दस्त होना शुरू हो गया। एक साथ गांव के 50 से ज़्यादा लोगों के एक साथ बीमार होने पर अफरा तफरी मच गई। लोगों के बीमार होने की सूचना जैसे ही प्रशासन को हुई, प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई और जिलाधिकारी सारण अमन समीर के निर्देश पर चिकित्सकों की एक टीम SDM सोनपुर निशांत विवेक और SDPO नवल कुमार के नेतृत्व में दरियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया, जहां बीमार लोगों का इलाज किया गया। बीमार होने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं जिन्होंने ठेला वाले से छोले खाया था। चिकित्सक की माने तो मिलावटी विषाक्त छोले खाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और उन्होंने लोगों को सुझाव दिया कि बाजार का खाना नाश्ता खाने से बेहतर है कि घर का बना हुआ भोजन नाश्ता करें। अच्छा, क्या यही है कि और लोग है उस गांव में? अच्छा, छोला खाया, छोला बेचने आया था, वो छोला लोग 5-5 रुपए का खरीद के खाया जी, वही से उल्टी पुल्टी होने लगा, सुस्त हो गया वही। कब की घटना है ये? काले घटना है, 5 बजे। अच्छा, तो उसके बाद उल्टी पुल्टी होने लगा, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या किए? बस ओकरा बाद में क्या किए हम लोग अब दवाई के फिर अथी से हॉस्पिटल से आए। अच्छा, क्या स्थिति है वही वहाँ की? मैंने कहा भाई ठीक है। अच्छा, शाम को बंगारी बसंत का छोला बेचने वाला आया था, ये तो छोला खाया हुआ सब 11 बजे रात के बोला कि पेट में पापा दर्द हो रहा है, उसके बाद उल्टी 3-4 बार हो गया, तो हम उसके बाद उल्टी होने के बाद पूरा सुस्त हो गया, तो हम दवा दिए। दवा देने के बाद ठीक था, फिर सुबह जब समरपुर गाँव में 50 आदमी रोगी भर्ती हुआ था, हम नहीं जाने, तो सुबह आके डॉक्टर साहब से दिखाया है और इलाज कराया है, डॉक्टर साहब जी तो ठीक है बच्चा, दिखा कर उपचार पता चला है समरपुर गाँव में कि वहाँ पे कोई एक छोला वाला पूरा मतलब बेचा है, जो छोटा छोटा बच्चा सब ज़्यादा था, छोटा बच्चा था तो उसको वोमिटिंग और ये डायरिया तो नहीं, वोमिटिंग और पेट दर्द वगैरह का शिकायत मिला, तो फिर उसको एम्बुलेंस से यहाँ पे लाया गया। करीब मतलब 50 लोग रात में आए थे जिसमें से 37 बच्चा था, 18 साल से कम और 13 बड़े लोग थे। अभी सुबह में 5 लोग आए हैं, अभी सब कंट्रोल में है, किसी को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ा, सबका सब उचित इलाज यहाँ पे मतलब सब लोग का हो गया। कहना है कि मतलब बाहरी चीज़ नहीं खाएँ, उसमें बहुत सारा कंटामिनेशन रहता है, इसलिए कोशिश करें कि जो भी चीज़ खाना है घर में बना के खाएं, छोला है या जो भी चीज़ है, ये सब मतलब प्रदूषित खाना खाने से हुआ है, इसीलिए अब सब लोग को यही सलाह है कि अपना घर में बना के खाएं। अच्छा सर, क्या बाहरी का भी सदर से भी कोई टीम आया था इसके लिए? सदर से टीम नहीं आए थे, बाकी यहाँ सोनपुर के SDM साहब आए थे जी, बाकी मेरे प्रभारी थे, बाकी सभी डॉक्टर लोग जितने दरियापुर के डॉक्टर हैं सभी लोग थे, और वहाँ से DM साहब का और CS सर का भी मॉनिटरिंग हो रहा था, वहाँ से फोन आया, फोन बोला कि रिपोर्टिंग सब लोग का किया गया, सभी पेशेंट मतलब ठीक है, किसी को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ा, सब लोग मतलब अंडर कंट्रोल है। अभी सुबह में सब लोग को छुट्टी कर दिया गया। डॉक्टर सब्बीर अहमद, मेडिकल ऑफिसर दरियापुर।